प्रखर सुर्खियों में। खनन की परमिशन देने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, खनन अधिकारी पर रुपए लेकर परमिशन देने का आरोप। कानपुर देहात से बड़ी खबर, खनिज अधिकारी अजय यादव पर एक बार फिर से आरोप लगे हैं, सुर्खियों में सामने आए हैं। खनन की परमिशन देने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। खनन अधिकारी पर रुपए लेकर परमिशन देने का आरोप लगा है। खनन की परमिशन लेने वाले राजस्व चालान में निकली गड़बड़ी, फर्जी चालान के बावजूद अधिकारी ने दी खनन करने की परमिशन। परमिशन के नाम पर जमकर हुआ 3 महीने मिट्टी खनन। लापरवाही के चलते पहले भी अधिकारी पर गिर चुकी है गाज। मिट्टी खनन के बड़े खिलाड़ी हैं खनिज अधिकारी अजय यादव। कानपुर देहात से खबर, खनिज अधिकारी और फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर से सामने आया। खनन की परमिशन देने के नाम पर हो रहा था फर्जीवाड़ा, खनन अधिकारी पर रुपए लेकर परमिशन देने का आरोप। तो ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि फर्जी परमिशन के चलते 3 महीने तक अवैध रूप से खनन किया गया, जमकर 3 महीने तक खनन किया गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी अजय पर पहले भी इस तरह के मामलों में गाज गिर चुकी है। और इसके बाद बात करेंगे प्रयागराज की, नरेंद्र गिरी के अनपढ़ होने के दावे हुए खारिज। प्रोफेसर